हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे हैं आज की क्लास में व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का डिस्कशन, और स्टार्ट करने से पहले ये हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। तो अभी फिलहाल आप लोगों ने कुछ इस तरीके की न्यूज देखी होगी जहां पर हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ये बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि COVID-19 will bring vehicle scrappage policy at the earliest. अब इसके बारे में क्या कुछ है, let us start the discussion. Start करने से पहले context को अगर देखें तो road transport and highway minister Nitin Gadkari on Thursday said the ministry is pursuing the long delayed vehicle scrapping policy to support the domestic automobile industry amid the COVID-19 pandemic. अब यहाँ पर चीजें क्या हो रही हैं? बेसिकली ऑटोमोबाइल सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी को एज सून एज पॉसिबल फटाफट ले आने की बात कही जा रही है। हालांकि अगर इस बिल का बैकग्राउंड दूं या इस पॉलिसी का अगर मैं बैकग्राउंड दूं, तो ये पॉलिसी 2016 से ही कैबिनेट के पास में पड़ी हुई है कि इसको फटाफट मंजूरी देनी है, लेकिन ये पॉलिसी स्टक कर गई है और इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं जिसमें हो सकता है कि चेंजेस करने हो, बट व्हाटएवर द पॉलिसी राइट नाउ इज हियर We will discuss it in this video. Question ये उठता है पहले कि आखिर में ये जो हमारी स्क्रैपेज पॉलिसी है इसकी जरूरत ही क्यों पड़ जा रही है। तो आप लोगों को पता होगा कि जो हमारी व्हीकल्स होती हैं, that is very much environment unfriendly. Environment के लिए काफी ज्यादा ये घातक होती हैं, क्योंकि इन व्हीकल्स से, चाहे वो पेट्रोल हो चाहे वो डीजल हो, इन दोनों ही व्हीकल से लेड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर एटसेट्रा, ये कई सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो कि एनवायरनमेंट को तो खराब कर ही रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बन रही हैं और साथ में ह्यूमन हेल्थ को कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। ये गाड़ियां, ये जो व्हीकल्स हैं, जितनी पुरानी होती जाती हैं उतना ही ज्यादा इसमें गैसेस हैं, उनके निकलने की जो टेंडेंसी होती है वो लगातार बढ़ती जाती है, और इसके टेंडेंसी बढ़ने के कारण से ही इस व्हीकल की एक लाइफ डिसाइड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एक्सपर्ट रिकमेंडेशंस, व्हीकल की जो लाइफ होनी चाहिए वो 10 टू 15 इयर्स होनी चाहिए। एज पार्ट ऑफ दिस रिकमेंडेशन व्हाट गवर्नमेंट हैड डन, गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए जो व्हीकल होगी, व्हीकल की अपनी लाइफ होगी एंड दैट विल बी 15 इयर्स, लेकिन आपको 5 ईयर का एक एक्सटेंशन पीरियड दिया जाएगा और इस एक्सटेंशन पीरियड में आपको फटाफट अपनी गाड़ी को स्क्रैप करना पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स, स्क्रैप क्यों करना पड़ेगा? स्क्रैप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि देखिए इस गाड़ियों में, चाहे वो पेट्रोल व्हीकल हो चाहे डीजल व्हीकल हो, इसमें बहुत सारा स्टील लगा होता है या फिर कह लीजिए बहुत सारे मशीन गुड्स लगी होती है, मशीन इक्विपमेंट्स लगी होती है, जिसका कि हम लोग रीयूज कर सकते हैं, चाहे वो मेटल अलॉय को बनाने में लगाना हो या फिर किसी अन्य चीजों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इसको रीयूज करने के लिए ही बेसिकली स्क्रैपिंग कराई जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि स्क्रैपिंग कराने से फायदा क्या है? फायदा देखिए दोनों है, एक तो रीयूज का फंडा हो गया और दूसरा जो भी यहाँ का कस्टमर है उस कस्टमर को भी एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया जाता है, मॉनेटरी बेनिफिट दे दिया जाता है। तो यहां से देखिए फायदे के नाम पे आएंगे तो एक तो एनवायरमेंट को भी फायदा हो गया, नंबर टू जो कस्टमर है उसको भी फायदा हो गया क्योंकि उसको मॉनेटरी बेनिफिट मिल गया, नंबर थ्री जो हमारी स्टील की कंजम्पशन है वो भी रीयूज होने के कारण से हम लोग उसको दूसरी जगह पर रीयूज कर ले रहे होंगे। तो दिस इज द होल कॉन्टेक्स्ट अबाउट दिस स्क्रैप पॉलिसी, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस स्क्रैप पॉलिसी के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये हमारी कुछ एनवायरमेंट की डेटा दे जाती है, एनवायरमेंट से रिलेटेड ये बताया गया है कि क्या क्या, कब कब, कैसे कैसे हमें व्हीकल के इंजन को चेंज करना है, एंड दिस इज बेसिकली टू अलाइन द इंजन ऑफ द व्हीकल विद द एनवायरमेंट। अब इसके लिए जो पॉलिसीज स्टार्ट होती हैं वो 2000 से स्टार्ट होती है और वो इंडिया 2000 या BS1 भी आप इसको बोल सकते हैं, दिस इज बेसिकली BS1, और ये बेसिकली नेशन वाइड लेकर के आई गई थी और जो कि एक बेंचमार्क फॉर एनी व्हीकल टू अलाइन विद एनवायरमेंट। इसके बाद हुआ क्या कि बहुत सारी व्हीकल्स ऐसी थी, होता क्या है कि जो मेट्रो सिटीज हैं वहां पर व्हीकल्स ज्यादा होती हैं, चाहे वो दिल्ली हो, मुंबई हो, कोलकाता हो, चेन्नई हो,
वहां पर वेकेंस ज्यादा है, तो इसलिए कभी भी जब भी हमें BS norms या फिर हमें जब भी किसी इंजन में चेंज कराना होता है तो हम पहले मेट्रो सिटीज को फोकस करते हैं और उसके बाद हम लोग दूसरे सिटीज में आ रहे होते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि BS2 इसको लाया गया था 2001 में, लेकिन मेट्रो सिटीज में। उसके बाद से बाकी 2003 एंड 2005 तक हम लोग नेशन वाइड लेते आए थे। सिमिलरली BS3, BS4 एंड वी हैव बाईपास्ड BS5 और हम लोग सीधे स्विच कर गए हैं BS6 में। और ये चीज आपने देखा ही होगा कि 2018 में दिल्ली में, 2019 में NCR में एंड 2020 में नेशन वाइड लाने की बात कही गई है। तो ये थी हमारी इन्वायरमेंटल नॉर्म्स, जिसके कारण से हमें व्हीकल को स्क्रैप करने के लिए एक पॉलिसी बनाना बहुत जरूरी हो गया था, एक गाइडलाइन बनाना बहुत जरूरी हो गया है, अदरवाइज देयर विल बी मिसमैच। एंड एज पार्ट ऑफ रिजल्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद अ न्यू पॉलिसी, दैट इज व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। अब इसके प्रोविजंस के बारे में अगर बात करें तो थोड़े से इसके गाइडलाइन जानना हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। जैसे कि इन ऑर्डर टू अरेस्ट द राइजिंग एयर पोल्यूशन लेवल इन मेजर सिटीज ऑफ द कंट्री, द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज स्टेटेड टू स्क्रैप व्हीकल दैट आर मोर देन 20 इयर्स ओल्ड अंडर द व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी और वॉलंटियर व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम विच वॉज फर्स्ट मूटेड इन 2016। द पॉलिसी अवेट्स कैबिनेट नॉट इन द फर्स्ट फेज इट प्रपोजेस टू टेक ओल्ड व्हीकल। अब ये सब चीजें आगे बताई गई है। यहां पर है क्या कि सबसे पहले गवर्नमेंट तो ये कहा है कि 20 ईयर इसकी लाइफ है, 20 ईयर के बाद सीधी सी बात है जब आप इसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू कराने जाएंगे तो ये रजिस्ट्रेशन आपका रद्द कर दिया जाएगा क्योंकि ये गाड़ी अब काम में नहीं आएंगी। इसके अलावा जब भी आप इसकी लाइसेंस रिन्यूअल कराने जाएंगे तो आप पकड़े जाएंगे कि हाँ आप जो है एक ऐसी गाड़ी चला रहे हैं जिसकी अब लाइफ ही नहीं बची है। तो बेसिकली आपको एनी हाउ 20 ईयर के बाद इसको स्क्रैप करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन दूसरा ऑप्शन है बिफोर 20 ईयर आप वॉलंटियर बेसिस पे कह रहे हैं कि नहीं मुझे ये गाड़ी हटानी है, वॉलंटियर बेसिस पे आप जा रहे हैं और इसको चेंज कर ले रहे हैं। तो यहां पर गवर्नमेंट आपको वॉलंटियर बेसिस होने के कारण से एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही होती है। ये सारे बेनिफिट अभी हम लोग देखेंगे क्या चीज है कैसे है। और ये जो पॉलिसी लेकर के आई गई थी वो लाई गई थी 2016 में ही, 2016 में ही ये पॉलिसी ले आ दी गई थी। इसमें जो फोकस पहले किया गया वो फोकस पहले किया गया है जितने भी बड़े व्हीकल्स हैं, जैसे ट्रॉलर हो गया या फिर ट्रक्स वगैरह हो गए, तो ये जो होते हैं पहले उनको फोकस किया गया है बिग व्हीकल्स पे और उसके बाद से हम लोग स्मॉल व्हीकल्स पे फोकस करेंगे। लेकिन इनको फोकस करने के लिए द मेन थिंग इज पॉलिसी, वी नीड सम पॉलिसी, वी नीड सम गाइडलाइन, और इसके लिए ही गाइडलाइन ले आ दी गई। आगे सिंस 65% ऑफ टोटल एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाई ओल्डर कमर्शियल व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन रोड, द पॉलिसी इज बाउंड टू मेक अ कंसिडरेबल इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। अपार्ट फ्रॉम दिस इट विल ऑल्सो गिव थ्रस्ट टू ऑटोमोबाइल सेक्टर बाई क्रिएटिंग अ न्यू डिमांड। What will happen after this scrap? Obviously, those who have any vehicle, they will go for new vehicle. ये लोग नए vehicle purchase कर रहे होंगे, तो नए vehicle जब purchase करेंगे obviously जो automobile sector है वो automobile sector काफी ज्यादा अब boost हो जाएगी, इसके पास demand ज्यादा आ जाएगी। Demand ज्यादा आ जाएगी तो जो sector इस समय stagnant चल रहा है उस stagnation में एक curve लगेगा और ये वापस से अपनी growth को regain कर लेगी, और यही चीज गवर्नमेंट भी चाह रही है। आगे बात करें तो यहां पर द पॉलिसी कैन बी सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ एनजीटी, क्योंकि कुछ सालों पहले अभी 2016 में ही एनजीटी ने दिल्ली एनसीआर के एरिया में जितने भी डीजल व्हीकल्स हैं जो 15 ईयर से पुराने हैं उनको एनसीआर में आने पर बैन लगा दिया, वेयर बाई ऑल डिकेड ओल्ड डीजल व्हीकल्स वर ऑर्डर टू स्टॉप फ्लाइंग ऑन रोड। अगर हम फीचर के बारे में बात करें कि वॉट इज द फीचर्स ऑफ द पॉलिसी, वन बाई वन करके डिस्कस करते हैं हम लोग। द पॉलिसी पिचेस फॉर मैंडेटरी डिस्पोजल ऑफ मोर देन 20 ईयर ओल्ड कमर्शियल व्हीकल्स फ्रॉम 2020। 2020 के बाद से जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारी की सारी डंप कर दी जाएंगी। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि जब BS4 से आया है तब से ये फोर्स में लाना चाहिए था, 2016 से ये चीज लानी चाहिए थी। इट इंस्टीट्यूट इंसेंटिवाइज टू इनकरेज वॉलंटियर रिप्लेसमेंट। अब इससे होगा क्या, अकॉर्डिंग टू डेटा 4 to 5 lakh vehicles are going to be scrapped. 4 to 5 lakh vehicles जो होती है वो scrap की जाएंगी। तो obviously अब इसके लिए करना क्या होगा हमें, एक हमें scrap policy तो हम रखे ही रखेंगे लेकिन इस scrapping के लिए भी हमें एक अच्छा खासा management करने की जरूरत है, otherwise यहाँ पर
हो सकता है कि ई वेस्ट की प्रॉब्लम सामने निकल के आ जाए, तो इसलिए हमें इसका भी मैनेजमेंट करने की बात इस पॉलिसी में ही की गई है। इट सीक्स रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड व्हीकल्स इन अ फेज्ड मैनर स्टार्टिंग विद कमर्शियल व्हीकल। अब होगा क्या कि जब ये स्क्रैप पॉलिसी आ जाएगी तो फटाफट सारे लोग अपनी कार को डंप करने चले जाएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि पहले हम लोग कमर्शियल व्हीकल लेंगे और उसके बाद से प्राइवेट फोर व्हीलर व्हीकल्स लेने पे हम लोग आएंगे। तो हम लोग फेज्ड मैनर में करेंगे ताकि किसी प्रकार की हड़बड़ाहट ना आए, कोई दिक्कत ना आए। इट प्रपोजेस लेसर जीएसटी। अब इसका मतलब क्या है, यहां पर ध्यान से सुनते हैं। मान लेते हैं यह हमारा बंदा है जिसके पास में अपनी कोई एक व्हीकल थी जो कि 15 ईयर ओल्ड है। अब इसके पास ऑप्शन है कि 5 ईयर का रिन्यूअल करा करके, एक्सटेंशन ले करके अपनी व्हीकल को अगले 5 साल के लिए चलाए, बट इसने ये काम नहीं किया। इसने क्या किया, वॉलंटियर रिप्लेसमेंट कर दिया। वॉलंटियर रिप्लेसमेंट करने पे जब ये न्यू व्हीकल खरीदने जाएगा तो इसको जो जीएसटी पे करना होगा इस व्हीकल पे वो हो जा रही है 28%। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा चूंकि आपने वॉलंटियर बेसिस पे डंप किया है, वॉलंटियर बेसिस पे आपने स्क्रैप किया है, मैं यहां पर आपको जीएसटी में एटलीस्ट 10% का रिबेट दे दूंगा। अब ये रिबेट इनपुट कॉस्ट के बेसिस पे दी जा सकती है, इनको एक पेपर के फॉर्मेट में दी जा सकती है। एनी हाउ जब भी ये न्यू व्हीकल खरीदेंगे तो इनको जीएसटी केवल और केवल 18% पे करना होगा, 10% इनका रिबेट के फॉर्मेट में आ जाएगा। इसके अलावा इनको 15% और कह लीजिए कैशबैक टाइप का मिल जाएगा। कैशबैक का मतलब इंस्टेंट डिस्काउंट रहेगा जब भी कोई नई व्हीकल ये खरीदने जा रहे होंगे। तो ये दो बेसिकली पॉलिसीज हैं जो कि इस स्क्रैप पॉलिसी में इंक्लूड की गई है। इट प्रपोजेस लेसर टैक्स ऑफ 10% और अ कंप्लीट वेवर ऑन रिप्लेस्ड कमर्शियल व्हीकल इंस्टेड ऑफ 28% लेविट करंटली ऑन कमर्शियल व्हीकल एंड ऑन दोज कैरिंग 10 और मोर पर्सन। It will incentivize scrapping of old vehicles. It also moved concessional rate on new vehicle for buyers who replace old vehicle which can be availed by showing document evidence sale of an old vehicle. तो जो मैंने आपको 15% का अभी instant discount के बारे में बताया वही basically यहाँ पर है कि जब भी कोई old vehicle का sale करेगा तो वो आपको 15% extra discount आपको मिल जाएगा क्योंकि आपने volunteer basis पे इस policy का implementation किया है। आगे बात करें तो व्हीकल स्क्रैपिंग सेंटर जो कि मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात की थी कि मैनेजमेंट करना काफी इंपॉर्टेंट है, तो स्क्रैपिंग सेंटर विल बी ओपन्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री और ये आ जाती है मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंडर में। दिस विल प्रिपेयर द इकोसिस्टम फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पॉलिसी। तो फटाफट ये क्या करेगी, मैनेजमेंट करेगी, ये देखेगी कि जो स्क्रैप के लिए जो एरिया होना चाहिए, स्क्रैप का जो मैनेजमेंट होना चाहिए वो सही तरीके से होना चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, ये ऐसा ना हो कि यहाँ पर ई वेस्ट जनरेट हो रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन जनरेट हो रहा हो। मैनी सच क्लस्टर वुड बी डेवलप्ड इन प्रॉक्सिमिटी टू पोर्ट्स अंडर द सागरमाला इनिशिएटिव। दीज क्लस्टर्स वुड प्रोसेस स्क्रैप व्हीकल्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, सेपरेट एंड रिसाइकल देयर कंपोनेंट एंड इन टर्न ब्रिंग डाउन प्राइस ऑफ ऑटोमोबाइल पार्ट्स। तो इस तरीके से वापस से इसका रीयूज कर लिया जाएगा। इसके बाद आती है कि सिग्निफिकेंस क्या है इस पॉलिसी की, फायदा क्या है इस पॉलिसी का। तो अगर वन बाय वन करके देखें तो देखिए, नंबर वन, इससे गवर्नमेंट को काफी अच्छा रिवेन्यू, टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट होने की संभावना है। लगभग एस्टिमेट के हिसाब से 10,000 करोड़ ऑटोमोबाइल सेक्टर के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फायदा पहुंचाएगी। इसके अलावा जो भी माइलेज है, जैसे व्हीकल जो पुरानी होती जाती है तो उसका माइलेज उतना ही खराब होते जाता है, तो जब व्हीकल पुरानी होने नहीं पाएगी, उसके लाइफ से पहले उसको रिप्लेस किया जाएगा तो माइलेज भी बनी रहेगी, इससे जो ऑयल का कंजम्पशन है वो भी खराब नहीं होगा और इससे हमें नियरली 3.2 बिलियन लीटर पर ईयर हमारी पेट्रोल की सेविंग हो जाएगी। और अगर इस पेट्रोल को अगर मॉनेटरी टर्म में देखें तो नियरली 7,000 करोड़ ये ऑयल इम्पोर्ट हमारा बचेगा, ये हमारा सेव होगा और इस तरीके से हम लोग अपना जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है और हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इनको हम कंट्रोल कर सकेंगे। अलाइन विद मेक इन इंडिया, इससे क्या होगा, क्योंकि हमारा न्यू डिमांड जनरेट हो जाएगी और इस न्यू डिमांड के थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि नई ऑटोमोबाइल सेक्टर इंडस्ट्री जो भी सेटअप हो रही होगी उसको एक अच्छा खासा एनवायरमेंट मिल जाएगा कि वो अपना बिजनेस कर सके। इट वुड गिव थ्रस्ट टू द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो at an annual rate of 22%, thereby making India a hub for automobile manufacturing. जैसे अगर आप मार्केट में देखेंगे इस समय
तो जनरली आपको जर्मनी मेड कार मिलेंगी, यूएस मेड कार मिलेंगी या फिर जापान मेड कार मिल रही होंगी। इंडियन मेड कार के बारे में बात करेंगे तो आपको बहुत ही कम मिल रही होंगी अगर आप नॉर्मल गाड़ियों को देख रहे होंगे तो इससे होगा क्या, जो भी इंडियन मेड कार्स हैं, जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, उनको काफी अच्छा एक बूस्ट मिल जाएगा। एंड दिस इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो एट एन एनुअल रेट ऑफ 22% देयर बाय मेकिंग इंडिया हब फॉर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री विच एट प्रेजेंट इज अ 4.5 लाख करोड़ इंडस्ट्री वुड स्वेल टू अ वर्थ ऑफ 20 लाख करोड़। मतलब आप देख सकते हैं कि जो जंप ये लेगा वो 4.5 लाख करोड़ से सीधे ये 5 टाइम्स हो जाएगा, 20 लाख करोड़ बदल जाएगा इस पॉलिसी के आने से। तो इस पॉलिसी के आने से नंबर वन एनवायरमेंट को फायदा मिला, नंबर टू गवर्नमेंट को फायदा मिला इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, नंबर थ्री जो इंडस्ट्रीज है उनको भी फायदा हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा अच्छी पॉलिसी होने वाली है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इनविजन टू द मेन ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमी। द कंपटीटिवनेस ऑफ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वुड विटनेस एन इंप्रूवमेंट एज फैक्टर कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ स्क्रैप मेटल फॉर फॉर्जिंग ऑटो पार्ट्स। अब यहां पर देखिए, एक आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा टर्म आपको पता होना चाहिए। हमारे पास दो तरीके की वैल्यू होती है, एक होती है इसको फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं और दूसरे को बोलते हैं जिसको मार्केट कॉस्ट बोलते हैं। मार्केट कॉस्ट का मतलब होता है जहां पर आपकी जीएसटी एंड जितने भी तरह के टैक्सेस होते हैं वो लग जा रहे होते हैं। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है जहां पर आप बेसिकली प्रोडक्शन हाउस बना रहे होते हैं। तो यहां पर होगा क्या, इसको प्रोडक्शन के लिए पहले से ही रीयूज्ड मटेरियल मिल जाएगा इन द फॉर्मेट ऑफ स्क्रैप। इससे होगा क्या, जो भी इसको प्रोडक्शन के दौरान में नए नए आइटम खरीदने पड़ रहे थे वो नहीं खरीदने पड़ेंगे और अल्टीमेटली इनका प्रोडक्शन कॉस्ट या फैक्टर कॉस्ट रिड्यूस कर जाएगी। और इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो ज्यादा से ज्यादा अब कंपटीटिव बन जाएगा। कर्बिंग एयर पोल्यूशन, अब अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम लोग न्यू व्हीकल्स लेंगे तो उससे धुआं कम निकलेगा, उसकी जो भी पोल्यूशन लेवल रहेगी वो कम रहेगी। सिंस ओल्ड व्हीकल्स आर नॉट कंप्लायंट विद बीएस स्टैंडर्ड एंड आर ऑपरेटिंग ऑन BS1 एंड BS2 स्टैंडर्ड, withdrawing them from the road would bring air pollution in city down by a substantial amount of one 15-year-old vehicle plying on Indian road has equivalent to 25 new generation vehicle. एक vehicle को अगर आप replace करें 25 नए vehicle के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि market में अगर पहले 100,000 car हुआ करती थी तो अब उसको नए 2,500,000 car के साथ replace कर सकते हैं और environment same बना रहेगा। तो ये काफी अच्छी पॉलिसी और जरूरी पॉलिसी है। फॉर द स्टील इंडस्ट्री बाय जनरेटिंग फ्रेश डिमांड द पॉलिसी विल हेल्प इन रिवाइवल ऑफ इंडियाज स्टील इंडस्ट्री दैट हैज बीन रीलिंग अंडर स्ट्रेस। तो अभी फिलहाल जो स्टील इंडस्ट्री काफी ज्यादा स्ट्रेस में है वो अब धीरे धीरे स्ट्रेस को रिलीज कर देगी और अपनी इंडस्ट्री को ग्रो कर ले जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप जनरेट होंगे और उसका यूज ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा और स्टील का इंपोर्ट काफी कम हो जाएगा। अगर हम लोग अब हाइलाइट्स के बारे में बात करें, फिलहाल चल क्या रहा है इस पॉलिसी को लेकर के गवर्नमेंट में, तो फिलहाल न्यूज में हम लोग आ जाते हैं तो यहां पर बोला गया है कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी विच अवेट्स क्लियरेंस फ्रॉम द फाइनेंस मिनिस्ट्री एम टू इलिमिनेट द फ्लीट ऑफ ओल्ड पोल्यूटिंग व्हीकल्स एंड बूस्ट डिमांड। द कोरोना वायरस लेड क्राइसिस हैज ओनली मेड मैटर वर्स फॉर द लोकल ऑटोमोबाइल सेक्टर दैट वॉज ऑलरेडी स्ट्रगलिंग ड्यू टू वीक डिमांड। तो अभी हम लोगों ने पॉलिसी चेंज किए हैं और उसके बाद से अभी जस्ट BS4 को रिप्लेस करके BS6 के लिए थोड़ा सा बीच में एक लेवरेज पीरियड दिया गया था, लेकिन उसी लेवरेज पीरियड के बीच में ही लॉकडाउन हो गया और अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री समय नहीं पा पाई कि अपना पुराना जो भी व्हीकल है उसको निकाल सके। द प्रपोज्ड पॉलिसी हैड गॉट अ फ्रेश पुश इन अगस्त लास्ट ईयर इवन व्हेन द ऑटोमोबाइल सेक्टर रील्ड अंडर स्लो डाउन प्रेशर। Separately, Road Ministry had issued a draft guideline in October to set up vehicle scrapping center in the country to protect the environment and promote a legally backed dismantling and scrapping industry. तो देखिए ये सारी की सारी केवल न्यूज के फॉर्मेट में है, यू कैन रीड दैट एंड यू कैन गो विद द स्क्रैप पॉलिसी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे इस यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए एज वेल एज फॉर मेंस एग्जामिनेशन। यहां पर मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन रहेगा और वो क्वेश्चन ये है कि सिंस द पॉलिसी इज रिलेटेड विद हैवी मशीनरी देन व्हाई नितिन गडकरी हु इज अ मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हैज
कम अप विद दिस पॉलिसी, आखिर ये जो स्क्रैपिंग है वो तो हैवी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो फिर हमारे जो नितिन गडकरी साहब हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के, वो क्यों ये पॉलिसी लेकर के आए? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट अस ऑन recognitionis@gmail.com। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरीके के नए फैक्ट्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।